हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी आपने हमारी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जी हाँ दोस्तों, 19 दिसंबर बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट लेकर आ चुका हूँ। एनएम की सबसे बड़ी भर्ती आ रही है, यह आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, सरकारी एनएम भर्ती 2023, दोस्तों एनएम की परमानेंट भर्ती 2023 में 35,000 पदों पर आ रही है। आप लोग देख सकती हो, 35,000 पदों पर एनएम की नर्स की भर्ती यहाँ पर आ रही है, जिसमें दोस्तों आप लोगों को बता दें तो आज 19 दिसंबर, आज की बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। स्वास्थ्य विभाग में 70,000 पदों पर 6 माह में बहाली, सबसे अधिक 35,000 एनएम की होगी नियुक्ति। ये दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि एनएम की सबसे बड़ी भर्ती 2023 में आ रही है। 35,000 पदों पर एनएम नर्स की भर्ती आ रही है। अगले 6 महीने के अंदर दोस्तों भर्ती हो भी जाएगी और आप लोगों की नियुक्ति भी हो जाएगी। ये दोस्तों बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। तो इसमें दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या होगी इस भर्ती में, सैलरी कितनी मिलेगी, आयु सीमा क्या होगी, इन सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में बिल्कुल दोस्तों इस न्यूज़ के साथ जो है एक नोटिस दिखाऊंगा, उसके साथ ही यहाँ पे हम आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि 35,000 पदों पर एनएम की भर्ती होगी 2023 में, जो कि बिल्कुल परमानेंट है, सरकारी नौकरी है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको नोटिस दिखाऊंगा और उस नोटिस के अनुसार क्वालिफिकेशन क्या होगी, सैलरी कितनी मिलेगी, जॉब लोकेशन क्या है और किस राज्य से यह भर्ती आ रही है, आयु सीमा क्या होगी, इन सभी की जानकारी देंगे। साथ ही एग्जाम होगा या मेरिट पर भर्ती है, इन सभी की जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आपको लेकर चलते हैं सबसे पहले न्यूज पर, न्यूज की सारी जानकारी देंगे, इसके बाद दोस्तों मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूं। क्लियर है? तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत ही जबरदस्त वीडियो बनने वाली है। देखिए दोस्तों, आपको बता दें बिहार से ये बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। जी हाँ, बिहार वालों के लिए बल्ले बल्ले, क्योंकि जो भर्ती है दोस्तों बिहार में आ रही है। स्वास्थ्य विभाग में 37,000 पदों पर 6 माह में बहाली, सबसे अधिक 35,000 एनएम की होगी नियुक्ति। सबसे पहले आप लोग प्रूफ यहाँ पर देख लो, यहाँ पर दोस्तों बता दें संडे 18 दिसंबर 2022 की बड़ी खबर है। तो 18 दिसंबर दैनिक भास्कर, क्लियर है? जी हाँ, दैनिक भास्कर, साथ ही प्रभात खबर। तो ये जो प्रभात खबर की मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, प्रभात खबर 18 दिसंबर और संडे की यहाँ पे दोस्तों न्यूज है, आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले क्या है, आप लोग यहाँ पे देखिए, पटना नौकरी का, जी हाँ, नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग में 70,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगले 6 महीने में स्वास्थ्य विभाग में 70,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करेगा। अपर मुख्य सचिव ने शनिवार को इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन बिहार चैप्टर की ओर से गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन में एक दिवसीय सेमिनार के उद्घाटन के दौरान इसकी घोषणा की। ग्रहवा IAPSS बिहार चैप्टर के इस वार्षिक अधिवेशन के दौरान IAPSM बिहार चैप्टर के इस वार्षिक अधिवेशन के दौरान उन्होंने कहा कि इनमें सबसे अधिक करीब 35,000 एनएम के पद शामिल हैं। इसके अलावा डॉक्टर, टेक्नीशियन समेत अलग अलग पदों को शामिल किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही विज्ञापन निकाला जाएगा, इसकी तैयारी विभाग में चल रही है। यह कार्यक्रम PMCH कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर रश्मि सिंह की देखरेख में हुआ है। इस सेमिनार में एक मंच पर करीब 300 डॉक्टर यहाँ पर शामिल हुए हैं। क्लियर है? तो रश्मि सिंह की देखरेख में दोस्तों हुआ है। और आपको बता दे, ये नई अपडेट है कि बिहार सरकार भर्ती करने वाली है और बिहार के स्वास्थ्य विभाग में 35,000 पदों पर ये दोस्तों परमानेंट भर्ती आ रही है, सरकारी नौकरी है। चलिए दोस्तों अब बात करेंगे, देखिए 10,709 पदों पर एनएम की नोटिफिकेशन निकाली गई थी। उस नोटिफिकेशन के अनुसार मैं बताऊंगा कि जो 35,000 पदों पर वैकेंसी आ रही है, इसमें नंबर वन क्वालिफिकेशन क्या होगी, जॉब लोकेशन क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, आयु सीमा क्या है और कैसे आप लोगों का सिलेक्शन होगा, क्योंकि दोस्तों ये स्पेशल वीडियो है और इससे वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। इसका विज्ञापन संख्या है 07/2022 बिहार सरकार, बिहार तकनीकी सेवा आयोग। तो दोस्तों, जो 35,000 पदों पर भर्ती आ रही है, यह BTSC जो है 35,000 पदों पर भर्ती करेगी और इसी तरीके से आप लोगों का दोस्तों नोटिफिकेशन होगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अभी दोस्तों फिलहाल 10,709 पदों पर एनएम की भर्ती निकाली गई है, जो कि बिल्कुल परमानेंट है। और यहाँ पर आप लोगों को देखिए बोला भी जाएगा कि एनएम के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु
नियमित यानी कि परमानेंट सरकारी नौकरी होगी और इसी तरीके से आप लोगों का नोटिफिकेशन होगा। इसमें दो वेबसाइट है, एक BTSC वेबसाइट है और एक parikshaNIC.in, ये दो वेबसाइट है और इन दोनों वेबसाइट पर 35,000 पदों पर आप लोगों की नोटिफिकेशन दोस्तों पब्लिश की जाएगी। क्लियर है, इस तरीके से नोटिफिकेशन होगा। 35,000 टोटल पदों पर वैकेंसी होगी जिसमें आपकी जो ग्रेड पे होगी 2400 रुपये ग्रेड पे होगी। इसमें लेवल 7 के अंतर्गत, क्लियर है, 7वें CPC के अंतर्गत लेवल 4 के अंतर्गत आपको सैलरी दी जाएगी जो कि सैलरी बहुत ही ज़बरदस्त होगी। क्लियर, इसमें देखो कि तो जो महिलाएं हैं उनके लिए दोस्तों आरक्षण यहां पर दिया गया है। बाकी आप लोग जो है नीचे आओगे तो अगर हम बात करेंगे उसमें न्यूनतम आयु सीमा के बारे में, तो दोस्तों जो आप लोगों की मिनिमम आयु सीमा होगी 35,000 पदों के लिए 21 वर्ष होगी, अधिकतम यहाँ पे 40 वर्ष होगी यूआर कैटेगरी के लिए। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष यहाँ पे आयु सीमा आपकी होने वाली है। मिनिमम आयु सीमा दोस्तों आप लोगों की 21 वर्ष होगी। इसमें अगर आपने NM का कोर्स कर रखा है तो आप लोग 35,000 पदों पर जो भर्ती आ रही है उसमें आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने NM का कोर्स कर रखा है, बिल्कुल फ्रेशर फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकती हो। आयु सीमा के बारे में हमने आपको बता दिया है, बिहार सरकार यह भर्ती करेगी, टोटल 35,000 पदों पर यह वैकेंसी आएगी। इसमें दोस्तों आप लोगों का देखिए अभी बिल्कुल कन्फर्म नहीं है कि एग्ज़ाम होगा या मेरिट पर सलेक्शन होगा, लेकिन दोस्तों 80% चांस है कि आप लोगों का जो है मेरिट के बेस पर सलेक्शन होगा। क्लियर है, मेरिट के बेस पर आप लोगों का सिलेक्शन होगा 80% चांस है और 20% चांस है कि आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बेस पर सिलेक्शन होगा। लेकिन अभी बिल्कुल पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, लेकिन अगले छः महीने के अंदर दोस्तों 35,000 पदों पर बिहार में NM की भर्ती आ रही है जो कि बिल्कुल परमानेंट भर्ती है, सरकारी नौकरी है। अब दोस्तों आप लोग देखिए parikshaNIC.in साथ ही BTSC का ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी वेबसाइट पर आप लोगों का 35,000 पदों पर जो NM की भर्ती आ रही है, जी हां, इसी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन पब्लिश की जाएगी। क्लियर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां पे क्लिक करके डायरेक्ट आप लोग जो है इस वेबसाइट पे आ सकते हो। इस वेबसाइट पे आओगे तो यहां पे देख सकते हो, यहां पे सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों दी गई है, आप लोग यहां पे देख भी सकते हैं। तो इसी वेबसाइट पर दोस्तों आप लोगों की जो नोटिफिकेशन है पब्लिश की जाएगी। फीमेल हेल्थ वर्कर की यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, NM के लिए आप लोग दिया गया है, आप लोग देख सकते हो। इसकी यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन नंबर दिया गया है, नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है, आप लोग देख सकते हो नोटिफिकेशन नंबर है, इसे भी आप लोग चेकआउट कर लेना। बाकी आप लोगों के लिए दोस्तों यह बड़ी अपडेट है। बाकी टोटल स्वास्थ्य विभाग में 70,000 पदों पर दोस्तों ये भर्ती आ रही है। क्लियर है, जी हाँ दोस्तों, बाकी मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे दी है। कोई भी डाउट है नीचे आप लोग कमेंट कर देना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।